सांवरिया लो संभाल कहीं ना खो जाऊं, सांवरिया लो संभाल कहीं ना खो जाऊं, ओ कुछ ऐसा करो कमाल के तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल के तेरा हो जाऊं। समर्पित होना पड़ता है, हारना पड़ता है, और हारे हुए का एक ही निशान है, दोनों हाथ उठा लेता है समर्पण भाव से, और जरा ताली बजाकर प्रेम से ये बात, एक दो तीन चार। बोलिए राजा धीराज महाराज देख लूंगा, देख लूंगा, उससे लड़ना मत, उसके सामने हंसने लग जाना। क्यों? मैं दिखता अकेला हूं पर साथ में चलता तू, आप अकेले नहीं आते कीर्तन में, सेल्फ लगाते ही छठा आदमी गाड़ी में बैठ जाता है, और वो छठा कोई और नहीं होता, वो यही होता है। मैं दिखता अकेला हूं पर साथ में चलता तू, मैं दिखता अकेला पर साथ में चलता तू, मैं अकेला नहीं होशियार मेरे साथ में रहता तू, मैं अकेला नहीं होशियार मेरे साथ में रहता तू। किस किस के साथ रहता है बाबा? मैं दिखता अकेला हूं पर साथ में रहता तू, साथ में रहता तू, मैं अकेला नहीं होशियार मेरे साथ में चलता तू, अकेला नहीं होशियार मेरे साथ में चलता। कैसे चलता हूं? हाथों में हाथ ले डाल के तेरा हो जाऊं, हाथों में हाथ ले डाल तेरा हो जाऊं, हाथ पकड़ाने हैं तो हाथ उठाने पड़ेंगे, जरा ताली बजे ये बात, हाथों में हाथ ले डाल तेरा हो जाऊं, हाथों में हाथ ले डाल तेरा हो जाऊं, सांवरिया लो संभाल कहीं ना खो जाऊं, सांवरिया लो संभाल कहीं ना खो जाऊं। अभी परसों हनुमानगढ़ कीर्तन था, एक भगत मिला वहां राजस्थान का, जोधपुर से आगे, बोला कन्हैया जी श्याम बाबा को नहीं जानता था, अपने दोनों बच्चे और धर्म पत्नी को लेकर इनोवा गाड़ी रेंट पे करी और दो अपने ऑफिस के वर्कर और बिठा लिए, आप कहते हो गाड़ी खाली नहीं लेके जानी चाहिए, बिठा लिए पीछे दोनों, एक ड्राइवर कर दिया। जैसे ही जोधपुर के पास पहुंचा मेरे ड्राइवर को मिर्गी का दौरा आ गया, चलती गाड़ी में आगे भी ट्रक था और पीछे भी ट्रक था, तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा अब क्या करें, तो धर्मपत्नी बोली हारे का सहारा, बोला इतनी देर में पहले पीछे वाला ट्रक पंचर हुआ वो हट गया, और आगे जाके आगे वाला ट्रक भी साइड में रुक गया ढाबे पे, और मेरी गाड़ी अपने आप पेड़ के पास जाकर रुक गई। मजे की बात तो कन्हैया जी ये थी कि मेरे जो पीछे बैठा था मैंने उसको कहा कि भाई जोधपुर तो पहुंच गए, जब मरना था तब नहीं मरे, अब तो खाटू जाके रहूंगा है? तो बोला मुझे तो गाड़ी आती नहीं तू चला लेगा, बोला वो ऐसे किया उसने और वो स्टीयरिंग पे बैठ गया। रिंगस तक पहुंच गए, रिंगस तक पहुंच गए, और उसके बाद जब नीचे उतरे
निशान उठाने के लिए। तो ड्राइवर को पूछा, भाई ठीक ठाक हो? बोला ठीक का तो पता नहीं, लेकिन मैंने बाबूजी आपको झूठ बोला, मैंने आज तक साइकिल नहीं चलाई थी, ये गाड़ी पता नहीं कौन चला के लाया। हाथों में हाथ ले डाल के तेरा हो जाऊं, हाथों में हाथ ले डाल के तेरा हो जाऊं। सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए, भरती है झोली, झोली भरवाने वाला चाहिए, खुला है दरवाजा खाटू का, कोई खाटू जाने वाला चाहिए। कौन कौन जाएगा खाटू, जरा मिलकर बता देना। बोला बाबा खाटू नरेश की। भाई साहब इनको, उनकी भी गलती नहीं, व्यवस्था बनानी, वो इनको धकेल रहे थे और इनको गुस्सा नहीं आ रहा था यार। तो जो इतना दीवाना होगा वही तो शाम के करीब होगा यार। ओ चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, ओ चिट्ठी आई है खाटू से, किस किस को आई है? देखो बाबा ने चाहा, बाबा ने चाहा तो इसी महीने में एकादशी को भी मंदिर खुलने लग जाएगा, बाबा ने चाहा तो इसी द्वादशी पे भी मंदिर खुलने लग जाएगा, और बाबा ने चाहा तो रविवार को भी मंदिर खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो आवाज पहली बार गाजियाबाद से जानी चाहिए बाबा को। कौन कौन चाहता रविवार को भी मंदिर खुले, जरा ताली बजाकर प्रेम से कह देना। ओ चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, ओ चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। ओ बड़े दिनों के बाद मेरे शाम धड़ी को आ, बड़े दिनों के बाद मेरे शाम धड़ी को आ, भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। हे बाबा उनको चिट्ठी देना जिनके पास गाड़ी है, और उनको गाड़ी देना जिनके पास गाड़ी नहीं है, ताकि वो उनको बिठाकर लेकर जाए जिनके पास गाड़ियां नहीं है। कौन कौन चाहता कि लिफ्ट देकर जाए, लिफ्ट लेकर ना जाए, जरा ताली बजे मिलके। फर्क नहीं पड़ता दुनिया के कानों से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे बिना बाबा मेरा दिल नहीं लगता, पर तेरे बिना बाबा मेरा दिल नहीं लगता। किस किस का दिल नहीं लगता बाबा, ताली बजे जरा। बाबा इनका दिल नहीं लगता है तो एक काम किया करो, एक तमन्ना है इस दिल की, जी भर कर दीदार हो। कैसे हो? नीले घोड़े पर सवार मेरे सामने लखता तार हो, दुनिया के कानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। कैसे हारता है आदमी? आदमी तब हार जाता है
जब उसके घर वालों का उससे भरोसा हट जाता है। आदमी कब हार जाता है? जब अपने ही माँ बाप को अपने घर से निकाल देता है। आदमी कब हार जाता है? जब कोई सहारा नजर नहीं आता। हिसार का एक व्यापारी, साड़ियों की छोटी सी दुकान, रोज का 1000 रुपए का गल्ला। बिटिया बड़ी हुई तो रिश्ता करने के लिए घर से निकल गया। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को बोझ दहेज के लालची लोग बना। बेटा रहने दो यार, बोलो बेटा, सुना दो तो डंके की चोट सारे सुना दूंगा, लेकिन मुझे छेड़ो ना यार। जैसे ही छेड़ते मुझे डर लगने लग जाता है कि कहानी क्या है। हरियाणा में एक कीर्तन हो रहा था, तो गाने वाला जैसे ही गाना शुरू करे तो लठ लेके ताऊ घूमने लग जाए। वो फिर चुप हो जाए, बोला ताऊ मुझे ढूंढ रहा है। दो बार तो आया, तीसरी बार जैसे ही लठ लेके आया उसने चुप हुआ, तो ताऊ बोला तू तो गाय रख, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने तुझे बुलाया है। तो मुझे ऐसा ही कुछ लगने लग जाता है, मुझे छेड़ो ना, सुनते रहो। आनंद आ रहा है ना, ताली बजे जरा। कोरोना के बाद अभी तो आनंद आने लगा है, तरस गया था तुम्हें देखने के लिए। हिसार का छोटा सा व्यापारी, 1000 रुपए का रोज का गल्ला, बिटिया का रिश्ता करने निकला, तो लड़के वालों ने 50,000 रुपए नकदी मांग लिया। बोले सेठ जी पता लग जाएगा कितना धन है आपके पास, हमारा रुतबा बड़ा ऊंचा है, अगर 7 दिनों में 50,000 दे गए तो मेरे लड़के से आपकी लड़की का रिश्ता पक्का। सेठ जी बोले मैं खाटू वाले को मानता हूं, आप 7 दिन मांग रहे हो, मैं 5वें दिन में दे जाऊंगा। सब जेब में 4,500 रुपए थे, ये नहीं पता था बाकी कहां से आएंगे, ना कोई रिश्तेदार था देने वाला, बस इसका भरोसा था। ओके करके आ गया, घर आया, घरवाली को बताया, घरवाली ने ताना दिया, अपनी तो जिंदगी इसके पीछे खराब कर ली, मेरी बेटी का भी जिंदगी खराब करके आ गए। भगत का भरोसा पक्का था। बोला पगली जिसने 48 सालों तक सांस दे दी, वो क्या अगले 5 दिनों में 48,000 नहीं दे सकता है? अगले दिन दुकान खोली, शटर उठाया, आवाज लगा दी, हारे कैसा पूरा दिन निकल गया। 1500 रुपए का गल्ला, 6,000 पक्के हो गए, आ गया। अगले दिन फिर गया, आवाज लगाई, आजा मेरे कन्हैया बिन माझी के सहारे डूबेगी मेरी नैया, आजा मेरे। 1000 रुपए फिर कमा लिया, करते करते 5वां दिन आया, जेब में 9,000 और 3 बजे 50,000 चाहिए। किसी को नहीं बोला, बस जो चलाई और बैठ गया। बैठे हो आप ऐसे, सुनता नहीं हो जैसे, बैठे हो आप ऐसे, सुनता नहीं हो जैसे, बैठे हो आप ऐसे, सुनता नहीं हो जैसे। बाबा 1 बज गया है, 3 बजे चाहिए और मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता। घरवाली ने भी ताना मार के भेजा है कि शाम को देखती हूं कैसे अपनी बात पूरी करते हो। प्रेमियों पूरी बाजार का नियम था कि दोपहर का खाना खाने पूरा बाजार बंद होगा और अपने अपने घर जाया करेगा दुकानदार, लेकिन जिसका मन परेशान हो उसको पानी भी नहीं भाता, भोजन तो कहां से भाता। आधा शटर खोल के बैठ गया, आएगा आएगा आएगा, ये भी पूरी परीक्षा ले रहा है कि देखता हूं भरोसा कितना पक्का है। आएगा ढीले छड़े, 1:45 बजे
एक सफेद कुर्ते पजामे में एक सेठ जी आधा किलो सोना लदा हुआ भाग कर आते हैं कि सेठ जी मैं अपनी बिटिया का रिश्ता करने आया था, रिश्ता हो गया है, एक घंटे के अंदर मुझे वापस जाना है, लेकिन पूरा बाजार बंद है, मुझे 2 लाख रुपए की साड़ियां चाहिए, क्या आपकी दुकान से मुझे माल मिल जाएगा साहब? आएगा 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 हुआ हो तो दोनों हाथ उठाना, जरा ताली बजाना। दुनिया के दानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के दानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे बिना बाबा ये दिल नहीं लगता, पर तेरे बिना बाबा ये दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता है घर संभाल। ये जो फोटो खींच के ले जाते हो ना, यूपी का एक लड़का गया खाटू, मंदिर के बाहर लिखा था यहां फोटो खींचना सख्त मना है। अब गाजियाबाद का था, दुनिया के लिए था ना सख्त मना, तो मोबाइल निकाला, बोला खींचूंगा। जैसे खींचने लगा गार्ड साहब आ गए, ओ छोरा कहीं कर अंदर रख लिया। अब जैसे गार्ड साहब गए, सख्त मना क्या होता है वो तो गाजियाबाद वाले बताते हैं, जैसे ही गार्ड साहब गए मोबाइल फिर निकाल लिया, फिर खींचने लगा, फिर गार्ड साहब आ गए अंदर रख, समझ नहीं आती, फिर अंदर रख लिया। जैसे ही बाबा नजर आया, अब की बार मोबाइल नहीं निकाला, आंखें यूं फाड़ी। गार्ड साहब बोले क्या कर रहा है? बोला लेके तो जाऊंगा मोबाइल में, नहीं तो आंखों में तो खींच के लेके जाऊंगा। कौन कौन लेकर जाएगा? ये बात एक वो चाहते तो स्टेज पे नाच सकते थे, लेकिन उनको पता है आनंद वहीं आता है। स्वामी जी जियो, आज की दरबार की सेवा भी नहीं किया, किसको सुंदर लग रहा है दरबार, जरा ताली बजे। तेरा प्यार है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरा प्यार है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, तुझे याद रहूं बाबा, रातों के बाद भी मैं तुझे याद रहूं बाबा। इंसान जन्म लेता है, मर जाता है, चला जाता है, हफ्ता 10 दिन को याद रखता है अच्छा आदमी था, लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं है। मैं चला भी जाऊंगा ना तो भी आप गाओगे हारे 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 तुम हारे के, ये सच्चाई है। मैं कोई भी भजन लिखता हूं उसके पीछे लॉजिक होता है, जो शब्द लिखता हूं उसके पीछे कारण होता है। ये लिखा मैंने, जब तक सांसें मेरी तेरा नाम मैं लूं बाबा, जब तक सांसें मेरी जय श्री तेरा नाम मैं लूं बाबा, सांसों के बाद भी मैं तुझे याद रहूं बाबा, सांसों के बाद भी मैं। आप सब चले जाओगे कीर्तन के बाद, लेकिन ये 2 लाइनें गा देना, बाबा को याद रहोगे। गाओगे? तुमको सुना कर बाबा सबको सुनाऊंगा, तुमको सुना कर बाबा सबको सुनाऊंगा, तुमको सुना कर बाबा सबको सुनाऊंगा।
मेरे पास। हाँ आओ आओ, आओ। अरे नहीं महाराज आओ, एक बार आप खड़े हो जाओ। जब आदमी पहली बार खाटू जाता है तो ऐसा होता है, बैठ जाओ। और जब कृपा हो जाती है तो ऐसा हो जाता है। ये प्रेम की बात है, किसी को क्या पता रामलीला मैदान में क्या हो रहा है, हमसे पूछो ना क्या हो रहा है। अरे यहाँ भगत भगवान का हो रहा है और भगवान भगत का हो रहा है। जब तक सांसे मेरी मेरा नाम मिलू बाबा, जब तक सांसे मेरी मेरा नाम मिलू बाबा, सांसों के बाद भी मैं तुझे याद रहूं बाबा, सांसों के बाद भी मैं तुझे याद रहूं बाबा। मित्तल चाहे फिलहाल के तेरा हो जाऊं, मित्तल चाहे फिलहाल के तेरा हो जाऊं। एक बार गाना, संभाल कहीं ना खो जाऊं। कुछ ऐसा करो कमाल के तेरा हो जाऊं। हरे 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 तुम्हारे के शान, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे ना जोर दिल पे चले, हरे 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 तुम्हारे के सहारे, तुम्हारा भाई है क्या, छोटा भाई? किसका लड़का है? मामी, मामी।, मामी का लड़का है। और तुम इसकी मामी के? प्यार तो तुम्हारा यार भाइयों जैसा है, खुश रहो। ये बच्चे ही तो हैं साहब जिनसे आंगन महकता है। मैं तो जिस कीर्तन में जाता हूं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं जहां जाता हूं वहां बाबा से एक चीज जरूर मांगता हूं कि बाबा गाजियाबाद में तू आया है तो गाजियाबाद का कोई भी आंगन खाली नहीं होना चाहिए जहां पर औलाद ना हो। हर आंगन में कोई कोई गोद सुनी नहीं होनी चाहिए। तू है मेरा, देखो जिन्होंने जाना था वो गए, अकेले आए थे अकेले चले गए, अब तो वो है जो आए तो अकेले है लेकिन सांवरे को साथ लेकर जाएंगे। साहब कौन कौन लेकर जाएगा, जोर से गाना। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, सुनता नहीं इतना बता दे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे। तुम्हारे के सहारे हरे हरे हरे, तुम्हारे के सहारे हरे के सहारे श्याम। बोलिए हरे के सहारे की जय, लख दाता की जय। 26 दिसंबर को जो बात यहां रह गई होगी, वैसे तो रहने नहीं दूंगा, फिर भी हर जगह नया रूप नया सरूर नई बात होती है। 26 दिसंबर को मैं पुनः गाजियाबाद आ रहा हूं आपके बीच में। और अरे सभा हो गए दोबारा, अरे सुन तो लिया। श्याम परिवार मस्त मंडल के तत्वाधान में है, 14वां कीर्तन है। और सबसे बड़ी बात मालूम, जैसे ये दरबार देख रहे हैं ना, मेरी गुजारिश पर समझ लो या बाबा की मर्जी समझ लो, पहली बार
अयोध्या के राम मंदिर का दीदार होगा गाजियाबाद में, वो दरबार तैयार किया जाएगा। तो जितने हो सको भगवा कुर्ता सिलवा लो, उस दिन मैं भी भगवा पहन के आऊंगा। मैं कभी पहनता नहीं हूं। मंडल वाले बैठेंगे यहाँ कहाँ है भाई, बैठ जाओ ना प्लीज यार, प्लीज बैठ जाओ प्लीज, मेरी गुजारिश है। देखो नीचे बैठे हुए को नहीं नजर आएगा ना बाबा, तो आपका 70% वो ले जाएगा, है ना भाई। भगवा कुर्ता सिलवाना सारे, और मेरा भी एक सिलवा देना, नाप मैं दे दूंगा, या ये कुर्ता रख लेना कीर्तन के बाद। हाँ देखो ये मेरा परिवार है, कोई मेरे से जुदा नहीं है। कोई मुरादाबाद से आया है, कोई गाजियाबाद से है, कोई बुलंदशहर से आया है साहब, है कोई खुर्जा से भी आए हैं, है ना। हाँ हाँ सब जगह पिलखुआ से आए हैं, और ये लाल कुआं, हाँ यही बिसौली, और बाबा कितना किलोमीटर है यहां से, 200 किलोमीटर। हे प्रभु, मित्तल चाहे फिलहाल कानपुर, हे भगवान। आज तो ये मतलब चंडीगढ़, और साहब क्या बात है। ये जो चलने से पहले वो दरवाजा था, ये सजावट थी, ये गाजियाबाद था, लेकिन जैसे ही जो जल गई वो दरवाजा तोरण द्वार हो गया, ये गाजियाबाद खाटू धाम हो गया, आप और हम श्याम प्रेमी हो गए, ये दरबार बाबा का खाटू का मंदिर हो गया। बोलिए श्याम प्यारे की। आइए 2 मिनट के लिए कहना, मित्तल चाहे फिलहाल तेरा हो।